नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ एक और कहानी जिसका नाम है तितली और मधुमक्खी। ये कहानी है तितली और मधुमक्खी के बारे में। चलिए शुरू करें इस कहानी को। एक बगीचा था, उसमें एक पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता था। मधुमक्खियाँ छत्ते में मीठा मीठा शहद रखती थी। उस बगीचे में बहुत सी तितलियाँ भी आती थी, दिख रहे हैं ना इसमें। लोग उन्हें देखकर खुश होते, बच्चे उनके पीछे पीछे भागते थे। एक दिन रानी मधुमक्खी ने एक तितली को अपने पास बुलाया, पूछा, क्या तुम जादू जानती हो? तितली बोली, नहीं तो। मधुमक्खी ने पूछा, तो फिर ऐसा क्यों होता है? हम लोगों को मीठा शहद देती हैं, फिर भी लोग हमें मार डालते हैं। तुम कुछ भी नहीं देती, फिर भी तुम्हें लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं। तितली ने कहा, आप मीठा शहद देती हैं, तो डंक भी तो मारती हैं। मैं कुछ देती नहीं तो किसी का बुरा भी नहीं करती। रानी मधुमक्खी चुप हो गई। वह समझ गई, एक बुराई 100 भलाइयों पर भारी होती है। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं करते हैं तो उसके साथ बुरा भी नहीं करिए, लेकिन अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं और फिर उसके साथ बुरा करते हैं तो इंसान आपको पसंद नहीं करेगा और उसे आप प्यारे भी नहीं लगेंगे। तो हमें तितलियों की तरह बनना चाहिए, ना कि मधुमक्खियों की तरह। तो उम्मीद है आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।